हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो मैं मतलब अभी व्लॉग वगैरह कुछ भी शूट नहीं करना चाहता, बट काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई क्या हुआ है, कैसे क्रैश हुआ है। इतनी ज़्यादा पेन में हूँ ना अभी, मैं आपको बता नहीं सकता। अभी हॉस्पिटल गया हुआ था ड्रेसिंग वगैरह चेंज करने, बट आज हुई नहीं। उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद होगी। तो अभी मेरे को जो पीछे ज़ख्म है वो मेहरा भाई अभी साफ़ करने वाले हैं। तो ये मेहरा भाई कुछ लेके आए हुए हैं क्लीन वगैरह करने के लिए। बोला नहीं जा रहा क्योंकि परसों बोला जा रहा था, क्योंकि उस वक्त नए नए जख्म थे तो उतना दर्द महसूस नहीं हो रही थी। उस वक्त पेन किलर वगैरह लगी हुई थी तो इसलिए दर्द वगैरह नहीं हो रही थी, बट अभी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। एंड अभी महसूस हो रहा है कि मतलब कितनी ज़्यादा लगी है। आपको पता है ये हाथ तो ज़्यादा हिला नहीं सकता क्योंकि फ्रैक्चर है। एंड यहाँ पे पूरे मतलब जख्म जख्म है, टांग में यहाँ पे स्टिचेस आए हुए हैं, पूरी मतलब टांग में फ्रैक्चर है। तो और कमर तो पूरी छिली हुई है। मैं 2 दिन से सोया नहीं हूँ, कंटिन्यूसली रात भर ऐसे ही बैठा रहता हूँ। तो और बाकी जो सारे कमेंट्स कर रहे थे कि भाई क्रैश कैसे हुआ है, क्या हुआ है, तो मैंने आपको कहा था कि मेरे को गोप्रो लगा था तो मुझे क्लिप्स मिलने, तो गाइस क्लिप्स वगैरह मुझे मिल चुकी हैं। एंड मैं अभी पूरी रॉ फुटेज डालने वाला हूँ, एंड मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वहाँ पे अभी हम निकलने वाले थे एंड मेहरा भाई का मुझे कॉल आया। एंड मेहरा भाई ने मुझे बोला कि KTM के शोरूम आ जा। से KTM के शोरूम के लिए निकले तो हम मतलब गुजरनगर पुल क्रॉस करने के बाद हम बावे वाली साइड से ऊपर जो कासिम नगर का रास्ता जाता है उस रोड पर चलने वाले थे वाले पुल पे। अब हम जा रहे हैं सीधा KTM के शोरूम में, क्योंकि एक्चुअली मेहरा भाई ने अपनी बाइक सेल कर दी है एंड उसका ना वो RC वगैरह ट्रांसफ़र करवाना है। उसके लिए उनको कुछ मेल वगैरह करवाना है KTM के शोरूम से, तो उधर ही जा रहे हैं, वहाँ से मेल वगैरह करवाते हैं। ये जो गाड़ी आपने देखी, हमें नहीं पता था ये किसकी गाड़ी है क्योंकि हमने नोटिस नहीं किया था। हमने सीधा मतलब गाड़ी को पास किया एंड मतलब 40-50 की स्पीड में थे हम, एंड वहाँ से मैं आगे निकल गया। देखा होगा अभी मतलब उस गाड़ी के आगे, उस BMW के आगे गाइज एक बाइक थी एंड उसके आगे एक ट्रक था एंड उसके आगे जाके एक ऑटो था। सो गाइज बीच में आपने देखा होगा मैं जब ट्रक के आगे गया था तो मैंने उस साइड से इस लेन में शिफ्ट किया था, क्योंकि वहाँ से गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी तो इसलिए मैंने इस लेन में शिफ्ट किया था। फिर मैं उसी लेन में कंटिन्यू चल रहा था, 500-700 मीटर आगे आ चुका था। BMW 500-700 मीटर पीछे से बहुत ज़्यादा तेज़ आई एंड उसने हमें साइड से हिट किया। कोई हॉर्न नहीं मारा, मतलब कुछ भी नहीं गाइस, अचानक से आई, हमें पता भी नहीं चला कहाँ से आई, क्या हुआ, एंड उसने हमें सीधा हिट कर दिया। होगा कि अभी हम कैसे हिट हुए हैं एंड कैसे मैं रगड़ता हुआ गया। लगभग मैं मतलब 10-20 मीटर आगे तक तो मैं रगड़ता हुआ ही गया था। तो और गाइज वो भी कोई सीन नहीं था, मैं कोई FIR नहीं करता, कुछ नहीं करता। अगर वहाँ पे वो बंदा रुक जाता एंड हमें पूछताछ कर लेता, मुझे तो तब तक पता भी नहीं था कौन बंदा है, किस गाड़ी ने हिट किया था। पहले मुझे लग रहा था कि हमें फॉर्चूनर ने हिट किया, क्योंकि मेरे को खाली इतना पता था कोई काली गाड़ी गई है उसने हमें हिट किया। मुझे ये नहीं पता था कि कौन सी गाड़ी है, किस चीज़ ने हमें हिट किया। बट जब मैंने बाद में हॉस्पिटल के बाद जब मैंने फुटेज देखी तो वहाँ पे पता लगा कि BMW थी और इस नंबर की गाड़ी थी, जो कि आपने अभी देख ही लिया होगा। तो गाइज उसके बाद फिर मैंने FIR वगैरह किया, क्योंकि अगर तो वो बंदा सही होता एंड उसने हमें गलती से मतलब टक्कर मारी होती तो वो बंदा रुकता, उठाता या देखता कि भाई कहीं मर तो नहीं गए हैं, कहीं पीछे कोई गाड़ी तेज़ तो नहीं आ रही थी हमें,
हमारे ऊपर चढ़ तो नहीं गई, बट उसने ना तो रुका ना तो उसने वहाँ पे मतलब देखा कि क्या हुआ, वो वहाँ से भाग गया। जैसे कि आपने अभी सारी क्लिप्स देख ली होगी एंड आपको पता लग ही गया होगा कि क्या हुआ हमारे साथ, कैसे हुआ, इतना गंदा इंसिडेंट हुआ। हम तो बस मेहरा भाई के पास जा रहे थे KTM शोरूम एंड उसके बाद हमने रील्स वगैरह शूट करने सिधरा जाना था, बट इतना सारा मतलब हो गया कि अब मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मैं गाइज मैं आपको बताता हूँ, मेरे को वॉशरूम मैं मतलब खुद से खड़ा नहीं हो सकता हूँ, मेरे को 3 बंदे चाहिए होते हैं जो मुझे मतलब सपोर्ट से उठाते हैं। एंड उसके बाद मैं वॉशरूम वगैरह भी रूम के अंदर करता हूँ, वो भी बाल्टी के अंदर। आप सोच सकते हो कि मेरी कितनी बुरी हालत होगी। इतना ही कहूँगा आप सबसे कि आप सब लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, मैंने कर दी हुई है, तो अब जैसे ही वो सब मेरे पास आ जाएगी मैं आपको FIR वगैरह भी दिखा दूंगा। एंड मतलब बंदा कौन था आपको पता लग ही गया होगा, एंड अगर नहीं लगा होगा पता तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा बंदा कौन है। एंड और भी कुछ बातें हुई हैं जो कि आप सबको अभी नहीं पता है, वो भी मैं आपको कल तक बता दूंगा सारी चीज़ें। तो बाकी गाइज बस इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ, क्योंकि आपको पता है ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी डिलीट हो चुका था जो कि मेरे मतलब 250,000 फॉलोअर्स के अप्रोक्स था। एंड और अब ये सीन हो गया, मैंने न्यू अकाउंट बनाया था, सोचा था उस पर वीडियोज़ वगैरह बनाऊंगा, दोबारा से ग्रो करूंगा, बट आप देख ही सकते हो कि मतलब मेरी क्या हालत हो गई है। तो अभी मैं कुछ भी करने के काबिल नहीं हूँ, बस आप सबसे मतलब यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरे लिए प्रे करो कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ।